तो वहाँ से हम लोग जाते हैं, मैं हूँ एंड मेरा भाई दोस्त वगैरह सारे हैं एंड ये अभी हम खड़े हैं हमारी दुकान के ऊपर। फिर दोस्तों है ना हमारे साथ है हमारा दोस्त एक है पुष्पा जिसका नाम है, ठीक है। तो हमारे साथ दूसरे में उन्होंने मिले, वो हमसे कैसे मिलते हैं आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम पुष्पा जानी, और ईद मुबारक हो आपको यार। और ये हमारे साथ है विनोद, ये विनोद जो हमारे पुष्पा भाई ने हमारे को बोतल पिलाई है, ठीक है ना, इनका बहुत बड़ा शुक्र है यार, थैंक यू सो मच पुष्पा भाई। और बता सब खेरे यार पुष्पा भाई, ये बोल रहे हैं यार फादर वाले ऐसे बर्तन वाला अलग रखते हैं क्या, सच में रखते हैं ये पता शायद नहीं रखते। हाँ यार इधर पे तो सारे ऐसे माल मिट्टी लगे हैं, लेकिन हम चलते हैं वहाँ पर पता करते हैं क्या नहीं है। हाँ बाकी वैसे यार पुष्पा को तो देर हो रही है क्योंकि शाम को अभी नमाज वगैरह पढ़े, 5 वक्त की नमाज ही बंदा है, तो इस वजह से अभी विनोद भी गुजार होगा, इसने मेरे को आज जिंदगी पहला बोतल पिलाई है। हाँ और पुष्पा ने हमारे को स्टिंग बोतल भी पिलाई है। हाँ क्योंकि यार पुष्पा आज ईद वाले दिन हमारे को साथ हुआ था और बोला चलो यार तुम लोगों को मैं ईद पर क्या है ना बोतल पिला रहा हूँ, तो हमने बोला चलो ठीक है और बोतल पिला दो एंड उसके बाद हम देखते हैं आगे हम जो था। एंड इस तरह पे हमारा भाई, हेलो भाई राम राम, क्या हाल है, तब कैसा चल रहा है केबिन का काम धंधा? अच्छा आज तो ईद थी, बहुत ही वगैरह मतलब अच्छा काम किया होगा आपने। अच्छा वैसे वो थादल वाला सामने जो बैठा है वो क्या मतलब, ठीक है तो ये देख सकते हैं हमारे साथ पुष्पा भी है एंड ये विनोद भी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम जाने वाले हैं वहाँ पर, अभी फिर तो फाइनली पुष्पा भी हमारे साथ पी रहा है यार, एक ही एक हम बोतल में पीते हैं सारे इकट्ठे मिलकर यार। ओ बाग रहा है यार, दो यार एक घूम यार पुष्पा यार। तो अभी हम सामने तो दोस्तों यहाँ पर एक ढोल वाला भी आया है, ठीक है। तो ढोल वाले से पूछते हैं हम सॉन्ग, कोई ना कोई गरवा लेते हैं ढोल वाले से और ढोल वाला दिखता है किसके नाम से सॉन्ग बजाता है, ठीक है। हेलो सर क्या रे, कौन हो आप? हाँ ये तो मंगने आ रहे जो ढोल बजाने आए भाई साहब, अब हम हमारी शादी के तो नहीं बजाएंगे, बाकी आज ईद लगी हुई है सो फाइनली ईद का बजाते हैं एंड उसके बाद हम चलेंगे थादर वाले के पास। तो यार ढोल वगैरह बजाओ यार, बहुत ही अच्छा हमें ढोल बजा के दिया है यार। और विनोद अब देखते हैं कितना इन लोगों को पैसे देते हैं यार, तो आज ईद लगी पड़ी है यार, तो 10-12 हज़ार दे देता हूँ। देखो विनोद बोला 10-12 हज़ार फाइनली हम देंगे, ठीक है। 10-12 हज़ार कौन देता है इस टाइम, बस ईद क्षेत्र में देंगे यार, तो ईद की खर्ची ईद की हम खर्ची कौन सी हमारे लोग, बट फिर भी देंगे यार, तो इनसे भी हम देते हैं। और भाई तुम्हारे क्या हाल है, सब ठीक है? वो छोटू तुम भी ढोल बजाते हो साथ में, ढोल बजाते हो क्या? अच्छा तू कौन सा बजाता, बजा वाला? तो फाइनली आप यार बोतल भाई ये देख सारी देख गया था, कुछ इसमें छोड़ी भी नहीं है, तो ये फाइनली हम पी लेते हैं। तो गाइस ये वाली बोतल थी, आप लोगों ने देखी थी यार, एक मुस्लिम बंदा था जो हमारा दोस्त थे, उनने आके मतलब पहले मेरे भाई ने पी थी विनोद ने, उसके बाद उसने पी थी, अभी मैं पी रहा हूँ। तो हमारे पास तो ऐसा कोई रिवाज वगैरह नहीं चलता है यार, नफरत वगैरह। तो दोस्तों ये गाना ये मैं सॉन्ग डेडिकेट करता हूँ मेरे भाई विनोद को एंड मेरी सारी यूपी वाली फैमिली को, इंग्लिश में गाता हूँ, ओके ना। ओ माय डियर,
फाइनली दोस्तों अभी इसने 2 लाख ग्राम बचाए थे तो इसको हम पैसे देने वाले हैं भाई को। तो भाई विनोद पैसे दे रहा है, पैसे निकाल। तो भाई अभी विनोद पैसे निकाल रहा है यार, कितने पैसे इसको देने? 20 रुपये यार, 20 रुपये। छोटे पैसे दे, सेठ छोटे पैसे दे, जल्दी कर यार। तो फाइनली सेठ छोटे पैसे दे रहा है एंड इसको दे रहे हैं। फिर उसके बाद भाई अभी तक तो जोर बजा रहा है। तो फाइनली आज यहाँ पर ईद लगी पड़ी है बहुत ही ढेरे यार, कोई सॉन्ग तो गाओ, सॉन्ग तो गाओ। तो ये छोटू भी आप देख सकते हो यहाँ पर, वाह भाई वाह। तो यार इन लोगों की ईद वगैरह है, पैसा लेंगे भाई। तो इसको हम पैसे देने वाले भाई, विनोद भाई इन लोगों को पैसे दे रहे भाई। देखो 30 रुपये इन लोगों को दिए, ठीक है। तो भाई आप लोगों को पैसे मिले, ठीक है, पैसे मिल गए नहीं आपकी मजदूरी भाई, 30 रुपये इन लोगों को मजदूरी दी है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये भाई साहब 2 लाख वगैरह बजा रहे हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों की आज आप लोगों की ईद ही नहीं, ईद है ना आज यार, ईद लगी पड़ी है। आप हमें दो या हम आपको दे यार, ऐसे कर रहे हो तुम आज। तो फाइनली यार ईद लगी पड़ी है आज, हमारे बाईपास पर बहुत ही रश है यहाँ पर, बहुत ही मतलब ईद लगी पड़ी है इस वजह से। तो फाइनली आ चुके दादा लुंगड़ू, लो लो फाइनली यार हमारा दोस्त हमारे पास लुंगड़ू। वो हमारे को खिला के गया है, अभी ये आए।